What is up भाई लोग, क्या बोलते? सभी का स्वागत है पीआर गिल फैक्ट्स में। और क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया में करीबन 180 मिलियन लोगों को घुटने का दर्द है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाती है, आप 50 से 60 साल के इसमें पहुंचते हो, वैसे ही आपके घुटने चटकना चालू हो जाते हैं। हमारे इंडिया में 15 करोड़ इंडियंस को नी प्रॉब्लम हो गई थी 2019 में। उनमें से 3 करोड़ लोग तो ठीक हो चुके हैं क्योंकि वो तो कम एज के थे, पर अभी भी 12 करोड़ इंडियंस को अर्थराइटिस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे भाई, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 2011 के रिसर्च में, मतलब ब्रिटिश स्टडी इन द जर्नल आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म में पता चला कि 2/3 वुमेन को अर्ली एज में ही उनको नी पेन चालू हो जाता है, और मेंस को 60 एज के बाद, मतलब 60 साल के बाद। करीबन 14% इंडियंस को हर महीने में 3 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जॉइंट पेन के कारण। और भाई लोग, क्या आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने एक मेडिकल रिपोर्ट पब्लिश की। एक आदमी ने 2016 में घुटने के दर्द के कारण उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मतलब भाई, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, इसी वजह से तो उसने ये स्टेप उठाया होगा। पर भाई लोग, मन में क्वेश्चन आता है कि नी पेन होता कैसे है, व्हाट इज द कॉज ऑफ नी पेन। तो देखो, अगर किसी की एज 50 से 60 है, उनमें नी पेन होना कॉमन है, क्योंकि हमारे नी में एक कार्टिलेज होता है जो हमारे जॉइंट्स में कुशन की तरह काम करता है। जब उस कार्टिलेज में क्रैक आ जाती है या कोई मसल टियर हो जाती है, तब वहाँ फ्रिक्शन होता है बोन्स के बीच में, और तब जाके जॉइंट फ्लूइड्स ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से भाई भयानक दर्द होना चालू हो जाता है। और भाई लोग, नी पेन की स्टार्टिंग हमेशा इंटरनल से ही नहीं होती है, कभी कभी हम ऐसे भी काम कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी मसल्स लॉक हो जाती है, जैसे कि हेवी फिजिकल एक्टिविटी, घुटनों पर बहुत ज्यादा देर तक बैठना, ज्यादा चलना नहीं एक जगह पर ही बैठे रहना, ऐसी बहुत सारी चीजें जो इन्वॉल्व है नी पेन में। और भाई लोग, हम लोगों ने बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर ली, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर कि कैसे घुटने के दर्द को घर पर कम करें या खत्म करें। हाउ टू स्टॉप नी पेन एट होम। तो टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है नी में, घुटने में, तो आपको पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए मेरे भाई लोग, क्योंकि ये स्टेप्स मैं बताऊंगा, आप अप्लाई करोगे और आपका दर्द बढ़ जाएगा तो आप लोग ही मुझे कमेंट बॉक्स में गाली दोगे। इसी वजह से आप लोग पहले डॉक्टर को कंसल्ट कर लो अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा दर्द है। तो भाई लोग, ये स्टेप्स उन लोगों के लिए है जिनको छोटा मोटा नी प्रॉब्लम है और जिनको बिल्कुल ही नी प्रॉब्लम नहीं है, और वो ये स्टेप्स फॉलो करके मेजर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे अपन स्कूल में एग्जाम देने के पहले पढ़ाई करते हैं, वैसे अभी ये स्टेप्स अप्लाई कर लो, आप बच जाओगे। तो रेडी, स्टार्ट करें। तो स्टेप नंबर 1, डोंट डिक्रीज योर डेली एक्टिविटी। आप दिन भर में जो भी एक्टिविटी कर सकते हो वो करते रहो, एक्टिव रहो। अगर कुछ काम नहीं हो फिर भी खुद के लिए चैलेंजेस बनाओ, उन चैलेंजेस को ब्रेक करने की कोशिश करो। उसके वजह से होगा क्या, उसके वजह से आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपके घुटने चटकना भी बंद हो जाएंगे। भाई लोग, स्टेप नंबर 2, वेट ट्रेनिंग। अगर आप जिम जा सकते हो तो बेस्ट है, वहां पर आपके फुल बॉडी की ट्रेनिंग हो जाएगी। और अगर आप जिम जाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारा भाई पीआर किल है ना। आप जिम नहीं जा सकते तो घर पर रोज योगा करना चालू कर दो। आप रोज योगा कर सकते हो जिससे आपकी मसल्स ओपन हो जाएगी और आपको फ्यूचर में जाके कोई भी तकलीफ नहीं होगी। स्टेप नंबर 3, ईट फ्रूट्स। जैसे कि आप ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज खा सकते हो, क्योंकि उनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये भाई लोग आपके घुटने के दर्द को कम करने में मदद करेंगे। और लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, वो है रेस्ट। बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना रेस्ट दोगे उतना जल्दी रिकवर करोगे, और अगर आपका दर्द फिर भी ठीक नहीं होता है तो भाई लोग, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर से डरने का नहीं, क्योंकि डॉक्टर हमारे लिए अच्छे के लिए ही होते हैं। तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर।